नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आप जैसे देख पा रहे हैं, बकरियां बड़े चाव से हरी घास के साथ, ये जो भूसा है ये भूसा गेहूं का है। बहुत सारे सवाल गेहूं के भूसे के ऊपर रहते हैं। आज मैं हूं यासिन गोट फार्म, जो कि राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये बड़े चाव से बरसीम के साथ सूखे भूसे के रूप में जो गेहूँ का भूसा उसका उपयोग कर रहे हैं। तो बकरियां भी आप देख रहे हैं बड़े चाव से खा रही हैं, तो इसके खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो सवाल उठते रहते हैं बार बार गेहूं के भूसे को लेकर, तो गेहूं का भूसा आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली कितना चाव से बकरियां खा रही हैं, तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे। साथ में हम इनके फीडिंग कॉस्ट कितना रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से अगर हम हरी घास को खिलाते हैं, खाली हरी घास ना देकर अगर भूसे के साथ खिलाते हैं तो कितना कम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जानकारी देंगे। साथ में और क्या क्या चीज़ें इसके साथ ये मिलाकर देते हैं ताकि जो बकरियां हैं बड़े चाव से खाती हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यासिन भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। मेरा फार्म हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के राठ कस्बे में है और जी नहर बाईपास पे है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि हरी घास को आप बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे वो अगर अपने यहाँ पर करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, इस विधि के बारे में बताइए, और क्या क्या चीज़ें इसके साथ खाने के लिए देते हैं आप। हरी घास का उपयोग सूखा भी खिला सकते हैं, गेहूं के भूसे में सानी के रूप में भी उसको दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम सानी में मिला के गेहूँ का भूसा और उसको मशीन से कतर के जो बनाई जाती है इसको कटिंग करके जी, तो उसमें मिला के इसको, इसमें बाजरे का आटा मिला सकते हैं, उसमें सानी के रूप में जी बढ़िया अच्छे चाव से खाती हैं, आप देख सकते हैं जी, सब बकरी खा रही हैं बढ़िया है। तो इसमें कॉस्ट भी कम पड़ती है। बिल्कुल, कॉस्ट तो कम पड़ती है। और अपने खेत में भी हमने लगाई हुई है, पीछे आप देख सकते हैं 1.5 बीघा में जी बरसिंग है जी। और अभी बरसिंग ये सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो इसमें जी हरी खाद भी खिलाना जरूरी है। और अब इसके बाद जो सीजन आएगा गर्मियों का, तो इसमें सुपर नेपियर और एक चरू घास चलती है हम लोगों के यहाँ, इसके बाद फिर वो लग जाएगी, तो पूरे साल भर इसको हरी घास के रूप में वो भी दे सकते हैं। मतलब बिल्कुल आप हैवी डाइट के रूप में आप ये देते ही देते हैं। हाँ जी, कंपलसरी है, कोई हर भूसा हो या ना हो, जो सीजन बाई सीजन बाकी भूसे आते हैं तो हर किसान तो स्टॉक कर नहीं पाता उनको, तो हम लोग इसको ये है कि इसके रूप में दे सकते हैं साल भर सीजन। जैसे सवाल उठते रहते हैं कि सर बकरी पालन में जैसे गेहूं के भूसे को लेकर, कि यार गेहूँ के भूसे में तो उतनी ज़्यादा ना न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ना फ़ायदेमंद नहीं होता है, फिर भी आप खिला रहे हैं, तो और कौन कौन सी चीज़ें अगर किसान भाई इसमें ऐड करना चाहें, और आपका क्या मानना है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब इसमें दाना भी जो है कि बाजरे का आटा होता है जी, या जौ होता है जो जवा कहते हैं हम लोगों के, जी जी, जवे का आटा मिक्सचर करके इसमें मिलाते हैं, तो वो उसमें दाने की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है, तो इससे उनको प्रोटीन पूरा मिल जाता है। मिनरल मिक्सचर कभी कभी अगर कॉस्ट अगर अफोर्ड कर सकता है किसान तो मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, तो उसमें सब हरे चारे की मात्रा एक साथ उनको मिलती रहती है, तो उस हिसाब से इनकी कंडीशन डाइट बढ़िया रहती है, बढ़िया रहती है। और अपने यहाँ पर जो हम कीमत की बात करते हैं कि क्या एक कॉस्ट बैठती है पर गोट के हिसाब से, आप अपने यहाँ पर क्या अंदाज़ा लगाया आपने कि इतना खिलाने के बाद मेरी बकरी पर इतनी एक दिन की कॉस्ट बैठ रही है, महीने भर की इतनी कॉस्ट बैठ रही है। अब हम लोग के यहाँ तो भूसी की कॉस्ट ये है कि सब घर का ही हो जाता है, खेती का है, सब आसपास ही अपनी खेती है, तो इसका भूसा उसे सब इकट्ठा हो जाता है, तो रख लेते हैं सीजन में, और अपने खेत में हरी घास लगा लेते हैं, तो कॉस्ट तो ये समझो कि हम लोग को ज़्यादा नहीं आती है, तो जीरो कॉस्ट पे ये खर्चा है, बस इसका लगाने का खर्चे जो भी है हम लोगों को, तो बढ़िया चल रहा है। और इसके साथ दाने के रूप में और कुछ देते हैं आप कि केवल इस ये सानी है, और दाने में कितना कब कब देते हैं? दाना हम लोग खिलाते हैं गर्मियों के सीजन खिलाते तो है, पूरा सीजन साल भर खिलाते हैं, मकाई भी देते हैं उसको, उसका दलिया करवा के छोटा छोटा दाना, क्योंकि सेंगा दाना उसको देंगे तो फिर वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हजम नहीं हो पाता, तो उसका दलिया करवा लेते हैं छोटा छोटा, तो दलिया के रूप में देते हैं, दाना बाजरा हुआ और मकाई भी हुई थोड़ी बहुत, ये सब दाना देते हैं। भूसे में, सूखे भूसे में क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर मिल जाती हैं, ताकि जो भी दर्शक हमें इस क्षेत्र से देख रहे हैं वो भी अपने यहाँ पर उस भूसे को स्टोर कर सकें?
सूखे भूसे में तो अरहर का भूसा है, बड़े चाव से खाती है बकरी, और मसूर का भी है, चना मटर का भी खाती है बकरी, तो और बरसात के सीजन में जो होता है वो मूंगफली का भूसा भी बकरी बड़े चाव से अच्छा खा लेती है। पर गोट के हिसाब से कितना डाइट लगती होगी सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बकरियां बड़ी हेल्दी और खूबसूरत दिख रही हैं जिस तरीके से आपने इन्हें मेंटेन किया हुआ है, और इतना जैसे भूसे का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं आप, तो फिर डिवॉर्मिंग आप कब कब करते हैं और कब कब करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। डिवॉर्मिंग करते हैं इनकी 3-4 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग कर देते हैं। अब इनका डिवॉर्मिंग अभी किए थे 4-5 महीने पहले, अब इनका डिवॉर्मिंग करने का टाइम आ गया है, तो अब हो सकता है इनका डिवॉर्मिंग किया जाए। अभी कुछ दिनों बाद जैसे सीजन है, ठंड का सीजन चल रहा था, इस वजह से भी हो सकता है अभी लेट है, परंतु अगर बकरियां तंदुरुस्त दिख रही हैं इसके मतलब है कि जो चीज़ें खा रही हैं इनके शरीर पर लग रहा है और बड़े चाव से खा रही हैं। गेहूं के भूसे के ऊपर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि गेहूं के भूसे का उपयोग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं अपने बकरी पालन में। आप देख रहे हैं जैसे कि बकरियां खा रही हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूसे गेहूं के भूसे से बकरियां कटती हैं, ऐसा नहीं है। वो जब भर पेट खाएंगी अपने यहाँ पर और जो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के रूप में दे रहे हैं, तो बकरियां बिल्कुल हेल्दी होंगी, बनेंगी भी। सबसे बड़ी बात होती है बकरियों का पेट भरना, अगर बकरियां पेट भर रही हैं और उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू हमने ऐड कर दी है जैसे ये हरी घास के रूप में, दाने के रूप में, तो बिल्कुल बहुत आसानी से बकरियों का पालन गेहूँ के भूसे में किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें अचंभित होने वाली बात भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और जो मध्य प्रदेश के रीजन से किसान बकरी पालन करते हैं, बहुत ही मात्रा में वो गेहूं के ही भूसे का उपयोग करते हैं, और यासिन भाई ने भी बिल्कुल गेहूं के ही भूसे का उपयोग किया हुआ है। समय समय पर दूसरे भूसे मिलते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं, परंतु मेनली हरी घास के साथ वो गेहूं के भूसे को ही उपयोग में लेते हैं, तो बिल्कुल कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो बैठती है। इन्होंने अपने यहाँ पर हरी घास भी लगाई हुई है, साथ में जो भूसा है इनके क्षेत्र में मिल जाता है, इस तरीके से ये बिल्कुल है ना, बिल्कुल जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और ये दूसरे टाइम पर जो दोपहर के बाद का टाइम होता है, आप जैसे देख रहे हैं अभी बिल्कुल शाम के 4:30 से 5 बजे का समय है, इस टाइम में बड़े चाव से बकरियां खा रही हैं। दोस्तों अपने यहाँ पर भी आप इस तरीके से भूसे का उपयोग कर सकते हैं और खिला सकते हैं, और हरी घास को एक अलग से ना देते हुए, या सूखी हरी घास या खाली भूसा देते हुए, या खाली हरी घास ना देते हुए आप मिक्स करके खिलाएंगे तो दोनों की वैल्यू भी बढ़ेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, साथ में पानी की मात्रा भी जो कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।